मॉर्निंग माई YouTube फैमिली है, कैसे हैं आप सभी लोग? ताज्जुब हो रहा है ना कि मैं कहाँ हूँ। एक्चुअली मैं श्रीदेवी मैम का वेट कर रही हूँ, क्योंकि श्रीदेवी मैम को फिर कन्विंस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है उस वक्त। और यूजुअली प्रिया मैम एक्चुअली पिकअप करती हैं, पर प्रिया क्योंकि शादी में गई हुई है होम टाउन, तो मैं मैम को पिकअप करती हूँ। और मैम को एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉक करके आना पड़ता है, तो अब यहाँ पर आ गई हैं मैम। और एक्चुअली बहुत क्यूट भी लगती है मुझे ये लेडी, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये। तो बस अब हमारी सवारी चलेगी काम की तरफ। तो यहाँ हम अब शुरुआत करेंगे दिन की। यहाँ पर मैं नोट्स बना रही हूँ, एक्चुअली आज एक फ्री टाइम मिला था जो आराम से बैठ करके मैं नोट्स लिख सकूँ, तो इसीलिए क्लास स्टाफ रूम में और भी लोग थे, बट मेरा पहले पूरा फोकस मेरा यहीं पर था कि मैं नोट्स लिखूँ। बहुत ध्यान से एक्चुअली पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसी हिसाब से हम लोगों को आंसर्स जो हैं क्रिएट करने पड़ते हैं। और क्लास में जाने से पहले बेटर होता है कि अगर हमारे पास में नोट्स रहें तो जैसे ही बच्चों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं टॉपिक, जिसको हम लोग एटलीस्ट 3 to 4 days लेते हैं किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए, फिर उसके बाद में हमारा बच्चों को नोट्स देना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी टीचर को नोट्स पहले से ही रेडी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, लाओ इसे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए। तो मैंने उसी वक्त फ़ोन लिया और मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा इसे भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आराम से लिख रही थी और मुझे खुशी है कि मैंने ईयरिंग्स पहने हैं, मैंने फिर से पहनना शुरू कर दिया है। और इधर मैं घर पहुँच गई हूँ। अब स्कूल से पता नहीं क्या हो जाता है कि इतना कोई ज़्यादा टाइम पीरियड भी नहीं है, बट फिर भी थक जाते हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ तो शैतानी चल रही है। बस घर में घुसना है, यानी गुड्डू भाभी के साथ में कुछ ना कुछ मैं छेड़ाखानी करती रहती हूँ, और अंदर भी जाना है तो फिर क्यों ऐसे जाएं? कुछ तो दिमाग में है मेरे। डिंग 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 डिंग, उल्टा जाएंगे हम। और घर में घुसते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी गुड्डू की तरफ से। और हेलो एवरीवन, तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा बस गाड़ी चला रही थी, मैम का वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, और इस वक्त एक्चुअली मैं घर पर आ चुकी हूँ। शाम का टाइम है और ये चमकती चीज़ें हैं गिफ्ट, ये है बर्थडे गिफ्ट। मैं जा रही हूँ शालिनी मैम, हमारे स्कूल की जितनी भी हिंदी टीचर्स हैं उनमें वो सबसे सीनियर हैं, और आज उनकी बेटी का है बर्थडे और मैम की है वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने ये दो गिफ्ट लिए, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं कल रात से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं हो रहा था, और अभी भी घर आने के बाद भी इतनी थकान थी। तो इस गोल्डन कवर में है मैम की बेटी के लिए गिफ्ट, वो है ड्रेस मटेरियल, वो चाहे उसका कुछ भी बनवा सकती है। और रेड वाले में है मैम के लिए चंदेरी सिल्क साड़ी। तो ये अब हम डाल रहे हैं इसमें और अब हम जाएंगे। मैं कुछ खास रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ वही अपना ब्लैक टॉप और अपना पैंट मैंने डाला हुआ है, लेकिन इधर गुड्डू जो है रेडी हुई है थोड़ा सा, मेरा नन्ना बेबी। चलो, और अब यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, और ये ब्लैक बैग हमेशा मेरे साथ रहता है। और भवी नहीं जा रहा है, भवी को जाना ही नहीं पसंद है, मेरी बेबी घर में अकेले। जल्दी से रेडी हो जाओ। और यहाँ गुड्डू अपनी फ्रेंड के घर पर है, अंकुरित के घर पे एक्चुअली, क्योंकि हमारे पे एक ही हेलमेट है और हेलमेट बहुत ज़रूरी है, जो पीछे बैठता है उसके लिए भी, तो लेने गई है। बस इधर हम निकल गए हैं और गुड्डू ने बोला मम्मी आपने गलत बोला, गोल्डन में मैम के लिए है और रेड वाले में उनकी बेटी के लिए गिफ्ट है। करेक्ट कर दिया मैंने, गोल्डन में मैम और क्या बोला मैंने, वही तो बोल रही हूँ मैं भी। चलो अब हम निकलते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे टीचर्स तो स्कूल से ही चले गए थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले घर जाऊंगी, और एक और है स्वाति करके फ्रेंड, वो भी घर जाकर के आएगी क्योंकि बहुत टायर्ड थे। ये हैं हमारे आयरन वाले भैया, सबके कपड़े प्रेस करते हैं। और अब हम निकलते हैं, चलो। बेंगलोर में ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, आप बल्कि लोग भी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं कि ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करें वो सभी,
और यहाँ पर जो है गाड़ी चला रहा है उसके लिए तो हेलमेट इम्पॉर्टेंट है, जो पीछे बैठा है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रैफिक लाइट्स का भी बहुत ध्यान देते हैं लोग। लेकिन हाँ ऑब्वियसली कुछ लोगों में महान लोग भी होते हैं जो ट्रैफिक के रूल्स का। फाइनली गाड़ी चला के हम पहुँच गए हैं मैम के घर और वेट कर रहे हैं लिफ्ट का ऐसे। तो फाइनली आ गए हम बर्थडे वाले घर में और वेडिंग एनिवर्सरी मैम, थैंक यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भैया। हाँ ये बेटी है और ये देखो हमारी नागरत्ना मैम, क्या पका रही हो? हेलो, ये क्या पक रहा है? बिरयानी, मटन बिरयानी। वाह मटन बिरयानी बना रहे हो, किसका मटन डाला बताओ ना किसका वाला डाला आज, किसको काटा? हाय हाय मैं, और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। एक्चुअली हमारे इंडियंस में क्या है कि सारे काम मिल बांट के होते हैं, चाहे बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो। तो शाली मैम लगे हुए थे, नागरत्ना मैम तो स्कूल से ही डायरेक्ट आ गए थे, हेल्प कर रही थी। और जब मैं पहुँची, मैंने देखा रोटियों के पेड़े रखे हैं, मैंने कहा चलो मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और रोटियों बनाने के टाइम पर नागरत्ना मैम फुला रहे थे और मैं उसको बेल रही थी और गुड गुड लगी थी रिकॉर्डिंग करने में। ही ये देखो हमारी हीरोइन आई है, क्या बात है? ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी व्लॉग में तुमने मुझे मोटा बोल दिया। हाँ भाई, तो शाली मैम हो चुकी है रेडी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि मैम को कुछ अतरंगी पहनाए क्योंकि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है आज। और ये है हमारी पटाखा, हाँ वही पहनाएंगे, तुम चिंता मत करो, इधर देख। और ये है पटाखा हमारे स्कूल में, जिसको मैं बोलती हूँ पटाखा रानी। क्या नाम है तुम्हारा? और ये देखो आज भी मैंने इयररिंग्स पहनी है। ये देखो ये इयररिंग्स पहनना भूल गई, इयररिंग्स पहनना भूल गई। अब हीरोइन इसको बनना है हीरोइनी। मेरी नागरत्ना मैडम थक चुकी हैं, पुलाव बनाया, राइस बनाया, मैंने रोटियां बेली, उन्होंने सेकी, बट मैंने बेली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये हैं शालिनी मैम के हस्बैंड। एक्चुअली मैं यहाँ पे भैया को छेड़ रही थी कि आप भी कुछ अतरंगी पहनिए, कोई धोती कुर्ता या कुछ भी। अब भैया बस भाग रहे थे कि आफत से भागो पहले। वही देख रही हूँ, बली नोनी नोनी है, बली नोनी नोनी बेबीज, नोनी नोनी नो। और ये है स्वाति मैम की लाडो और ये है मेरी लाडो, BTS की दीवानी। ओ यू केम, वाओ ग्रेट। ये देखो यहाँ पे इनका चल रहा है गेम और ये सारी पलटन यहाँ पे खेल रही है, कहाँ है? और ये रही आई की तो छोटू बेबी की तो नूना नूना है। हाय बेबी, व्हाट्स योर नेम? अरे आद्या दिनेश है, आद्या और साद्या, आद्या और साद्या, आद्या, ओके आद्या। देखो ये अब आई है बहन जी, स्कूल में हंगामा मचा दिया था, अभी जाना है, अभी जाना है, और ये अब आ रही है। हाँ भाई कितने बजे पहुंचे आप लोग तो डायरेक्ट आने वाले थे। केक के लिए सबसे पहला अधिकार बेटा वीडियो का होता है। तो ये है शालिनी मैम की वेडिंग एनिवर्सरी का और ये है मैम की बेटी लवण्या के बर्थडे का, तो दो दो केक। हाँ अपनी एनिवर्सरी मना रही है एक्चुअली वो खाली। और यहाँ पर हम सभी बातें कर रहे थे और मैं बार बार शालिनी को छेड़ रही थी, तू तो सबसे पहले आने वाली थी क्योंकि इसने स्कूल में बोला घर नहीं जाएंगे वापस, बस हम डायरेक्ट जाएंगे मैम के घर में क्योंकि मैं रेडी होकर आई हूँ, वो गिफ्ट वगैरह सब लेकर आई थी, और वही सबसे लेट पहुँची।
मैं इससे बार बार पूछ रही हूँ हस्बैंड जो है कौन से वाले कब आएंगे, तो कहती है आएंगे तो पता चल जाएंगे, नहीं तो डीपी में देखो, डीपी में कैसे देखें, ऐसे करने का टाइम नहीं मिल रहा है, हम सांस कैसे लेते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ तो सुन होना चाहिए। अच्छे से भैया, घबराना नहीं है, हम सब हैं सपोर्ट में। हम हैं भैया, चिंता मत करो। मैम लगाइए मैम, बिल्कुल मैम, हम आपके भी सपोर्ट में हैं। हाँ हाँ, घबराहट में। और यहाँ बच्चों की पार्टी अब स्टार्ट हो गई, बच्चों को स्नैक्स मिल गया था खाने के लिए और सब बच्चे लगे हुए थे, अपना अपना कोना पकड़े हुए थे सारे बच्चे, और यहाँ पे टीचर्स भी अपना। और हमारी गॉसिप ज़्यादा, अपने इंडियन कल्चर में बर्थडे सेलिब्रेशन भी एक अलग ही एक मज़ा होता है, कि जिस तरह से प्लेट्स लगाई जाती हैं, उसमें स्नैक्स है, केक के पीसेज है, और जो भी हम बच्चों को सर्व कर रहे हैं, जो भी गेस्ट आए उनको जो सर्व कर रहे हैं, वो प्लेट्स लगाने में जो मज़ा आता है ना, वो तो कोई भी बीट नहीं कर सकता है। आज भी बचपन वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। स्वाति बता सच्चाई, ये अभी अभी स्वाति ने हाथ धो लिया, नहीं तो वो चाट रही थी केक को। स्वाति कैसे चाटते हैं? बस हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। भैया के लिए कुछ नहीं है, भैया के लिए वीडियो का लिंक है, ठीक है। ला 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 ला, खाना खाएंगे खाना, और ये बहुत सारा खाना, खाने में है छोले चावल ही, और ये है बूंदी का रायता, दाल मखनी यम 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 यम, दाल मखनी, और ये है पनीर, वाओ, और ये मैंने बनाई है रोटियाँ, भूलना मत, ये है पुलाव, सैलेड, गैस पे भी कुछ रखा है, इनकी शक्लें देखो, गैस पे भी कुछ रखा है, और गैस पे भी छोले, पेट भर के छोले खाएंगे, और ये मेरी फ्रेंड बन गई है, हाय सैली कैसी है, हाँ। और इधर मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, और मेरे घर में महायुद्ध शुरू हो गया है, शालिनी मैम के घर से जो रिटर्न, अच्छा इधर देखना है, अच्छा सुनो इधर, कि शालिनी मैम के घर से जो रिटर्न गिफ्ट मिला है उसके लिए भवी में और गुड्डू में दोनों में होगी महाभारत, मैं रिटर्न गिफ्ट खोल रहा है, और मैं इधर थक चुकी हूँ, थक के टूट चुकी हूँ, चूर चूर हो चुकी हूँ, मैं क्या हो चुकी हूँ, चूर चूर, और अब देखो बस मेरे घर में बस शुरू महाभारत, हाँ भाई लड़ो 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 हुर लड़ो हुर, मैं आ गई रात की रानी अपने महल में, और मेरा महल, और मैं अपने महल में अपने अपने सिंहासन पे बैठ गई हूँ, और अब मेरे बच्चों की पग 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 चालू होगी। तो अब इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ आज का व्लॉग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी वीडियोस लगती हैं तो, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना, मेरी बातें सुनना, मेरे पूरे दिन का शेड्यूल देखना, और मेरे बेटा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको करने दो डिस्टर्ब, तो प्लीज़ मेरा, तो बीच में वीडियो कट कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा कोई आ गया था, तो अब मैं फिर से बोलती हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाइए, टिंग 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 टिंग, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि नींद आ रही है ना, तो अभी ऐसे ही होगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, समथिंग समथिंग स्पेशल इन एवरी डे, बाय 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 बाय, बहुत धीरे बोल दिया था, बाय बाय। Thank you.